नमस्कार INA न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से औने पौने दामों में उसको बेचना पड़ता है। यही नहीं साथियों, आज छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से किसानों पर आफत बन के टूट रहा है। 100-100, 200-200 की झुंड में जानवर, छुट्टा जानवर आते हैं, किसानों की फसल चर करके बराबर कर देते हैं। यही नहीं, अब तो छुट्टा जानवर बड़े पैमाने पर लोगों के मौत के कारण भी बन रहे हैं। प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 20-25 मौतें केवल सांडों के मारने से हो रही हैं। कहीं हमारी कोई बहन मारी जाती है, कभी हमारा कोई बुजुर्ग मारा जाता है, कभी हमारा कोई नौजवान सांडों की मार से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन आज मोदी और योगी की सरकार कान में तेल डाल कर बैठकर मस्ती में घूम रहे हैं। और साथियों, इन सबका एक एक का हिसाब लेना है। और रही बात, चूंकि सामाजिक रूप से आज भी अन्याय जिंदा है, इसीलिए सरकार की नीयत पर हमें भरोसा नहीं है। जातिवार जनगणना क्यों? इसलिए कि अगर जातिवार जनगणना नहीं होगा तो हमारी आबादी क्या है, इसका सही लेखा जोखा नहीं आ पाएगा। अगर सही लेखा जोखा नहीं आ पाएगा तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो बजट निर्धारित करती है उसका समानुपातिक वितरण भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जातिवार जनगणना आवश्यक है। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश के महापुरुषों ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज तमाम ऐसे विचारक पैदा हुए जिन्होंने कहा था आजादी हमारे लिए साध्य नहीं है, बल्कि आजादी हमारे लिए साधन है। इस देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता लाने का। आज हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आज भी हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आजादी नहीं मिली है। इसलिए साथियों, इस आजादी को पाने के लिए सामाजिक आर्थिक आजादी पाने के लिए हमें समाजवाद के रास्ते चल करके